नमस्कार, आप देख रहे हैं education.in और मैं हूँ आंशु अग्रवाल। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की डिटेल्स हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले पता लग सके और आपकी एक बहुत अच्छी सी जॉब और एग्ज़ाम डिटेल्स की डिटेल्स भी आपको पता लग सकें, तो ताकि आप एग्ज़ाम्स भी देते रहें। तो आज जो मैं आपके लिए जॉब वैकेंसी की डिटेल लेकर आई हूँ वो है नर्स की जॉब वैकेंसी की डिटेल। तो जो इस बार जो जॉब वैकेंसी की डिटेल है वो जयपुर से निकली है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो जॉब वैकेंसी है ये DMHS यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज फ्रॉम जयपुर से ये वैकेंसी है। तो जो लोग भी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने भी नर्सिंग की हुई है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी 4155 वैकेंसीज इस वक्त नर्स की निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अप्लाई करने की डेट आज से शुरू हो चुकी है, यानी कि 12/4/2018 से आज से शुरू हो चुकी है, और अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 12/5/2018 तक है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, DMHS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्हें 4155 नर्सेस के रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है। तो आप अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है पूरी 4155, और पोस्ट का जो नाम होगा वो है स्टेट स्टाफ ग्रेडर, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये नर्सिंग के लिए ये वैकेंसी है। और पे स्केल जो इसका होगा वो भी पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, देखा जाए तो 26,500 रुपये इसका पे स्केल है। क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं इस जॉब के लिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, वो है आपने अपना 10+2 का सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए विद जनरल नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही जो आपकी एज लिमिट है इसमें वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये तो लेकिन जो है जनरल कैटेगरी वालों के लोगों के लिए है। बाकी अगर हम एज रिलैक्सेशन पर अगर हम आते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो एज हो जाती है इसमें वो 5 साल और आगे बढ़ जाता है, यानी कि 45 साल तक की फीमेल कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वहीं अगर हम जनरल कैंडिडेट्स का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, सब 40 साल तक के लिए है। और ये जो फीमेल कैंडिडेट्स आ रही हैं ये भी जनरल कैंडिडेट्स का, मैं आपको बता रही हूँ कि ये 5 साल और आगे फीमेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए बढ़ता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो ये सारे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और आगे ये एज रिलैक्सेशन हो जाते हैं, यानी कि 45 साल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ हो जाती है। वहीं अगर हम एससी और एसटी कैंडिडेट्स मेल में अगर हम बात करते हैं तो ये 5 साल और आगे बढ़ता है, यानी कि 45 साल ये एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए हो जाता है। वहीं अगर हम एससी और एसटी कैंडिडेट्स फीमेल की बात करते हैं तो ये फीमेल कैंडिडेट्स एससी एसटी के लिए 10 साल और आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि 50 साल तक की फीमेल कैंडिडेट्स एससी और एसटी को जो बिलोंग करती हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब अगर हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 10+2 के मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, एंड GNM जो आपने कोर्स किया है उसके भी मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी पर अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं फीस जो है वो आप ई मित्रा क्योसिक नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो होगी वो होगी 50 रुपये, और जनरल UR और OBC वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो होगी वो होगी 500 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ी 50 रुपये है और एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC और UR वालों के लिए 500 रुपये है। और वहीं SC और ST मेल के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 300 रुपये है। विडो, डिवोर्स और PVD जो राजस्थान डोमिसाइल को जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो घट के 250 रुपये तक हो जाती है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम अब हम बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म्स आज से भरने शुरू हो चुके हैं, तो आपको आज से फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। वहीं लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये 12/5/2018, यानी कि एक महीना है अभी आपके पास, एक महीने तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको
DHMS वेबसाइट की लिंक मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आपको ये लिंक दी हुई है, तो इस लिंक पर आप लॉग इन कर सकते हैं, आपको इस जॉब के रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको इस रिगार्डिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है और एक ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है स्टडी मटेरियल के लिए, तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये जो लिंक है मैंने आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको ये लिंक दी हुई है, तो आपको बस जाकर लिंक पर क्लिक करना है ताकि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकें और आपको पूरी की पूरी डिटेल्स वहाँ पर इजीली स्टडी मटेरियल ये सब मिल सके। तो इसी के साथ यहीं पर ये जो डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग था इस जॉब के बारे में यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको कोई भी सजेशन चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप हमें बेझिझक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और आगे जो है मैं आपको बता सकूँ, डिटेल्स बता सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। और किसी भी तरह का आपको सजेशन देना है कि किसी और जॉब की आप चाहते हैं कि मैं वैकेंसी की डिटेल्स आपके पास लेकर आऊँ, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ये सब बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए।